हमारी नई रेसिपीज को जानने के लिए सब्सक्राइब करें श्रुतिकास किचन को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, श्रुतिकास किचन में आप सभी का स्वागत है। इस गर्मी में हम जब भी बाहर से आते हैं तो हम एक ही चीज मांगते हैं, पानी। और अगर पानी का नींबू पानी हो तो क्या बात है, नींबू पानी की यानी कि शिकंजी। तो आज मैं आपको दो टाइप की शिकंजी बताऊंगी। तो आइए देखते हैं कि इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए और इसे हम कैसे बनाते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नींबू की शिकंजी बनाने के लिए हमें चाहिए 3 नींबू, 4 टेबलस्पून चीनी, काला नमक 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून सफेद नमक, 1/2 टीस्पून अमचूर पाउडर, मिंट लीव्स, पानी ठंडा और आइस क्यूब्स। तो सबसे पहले हम लेमन को कट करके इसका जूस निकाल लेंगे। इसका भी हम जूस निकाल लेंगे। अच्छी तरीके से हमारा लेमन जूस रेडी है, तो अब हम शिकंजी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं जार में ये लेमन जूस डाल दूंगी, शुगर डाल दूंगी, इसके बाद काला नमक, सफेद नमक, आमचूर पाउडर, काली मिर्च पाउडर और इसके बाद हम डालेंगे इसमें कुछ आइस क्यूब, हमारी शिकंजी अच्छी ठंडी रहे। और आइस क्यूब के बाद मैं इसमें अब डालूंगी पानी, 1 गिलास हम इसमें पानी डालेंगे। और अभी हम ये सादा शिकंजी बना रहे हैं तो इसको अब हम चला लेते हैं और इसे अब हम चला लेंगे। हमारी सिंपल शिकंजी रेडी है। तो हम ग्लास में पहले आइस क्यूब्स डालेंगे और ऊपर से इसमें हमारी शिकंजी डालेंगे। और इसे हम लेमन स्लाइस के साथ सर्व करेंगे। तो हमारी ये नॉर्मल शिकंजी रेडी है, रेगुलर शिकंजी बोल सकते हैं इसे हम। और अब हम मिंट शिकंजी बनाएंगे, तो हमें सिर्फ इसमें मिंट लीव्स डालनी है और इसे ग्राइंड करना है। तो हमारी मिंट शिकंजी भी रेडी है, तो इसे भी हम ग्लास में डाल लेंगे। तो हम सबसे पहले आइस क्यूब्स डालेंगे और इसमें हम कुछ लेमन की स्लाइसेस डालेंगे, कुछ मिंट की पत्तियां ये हो गया। और आखिरी में अब हम डालेंगे हमारी मिंट शिकंजी। इसे हम मिंट लीव और लेमन स्लाइस के साथ सर्व करेंगे।
तरीके से